नेमावर में पिछले एक माह में फूड पॉइजनिंग के चलते दो दर्जन से अधिक पशुओं की मौत हो गई। मरने वाले पशुओं में अधिकांश लावारिस हैं। धार्मिक स्थल होने के कारण नेमावर में आए दिन लोग मन्नत पूरी होने पर भंडारे करवाते हैं। पिछले दिनों शादियां भी खूब हुई। इन आयोजनों में बचे हुए खाने को खुले मैदान में फेंक दिया जाता है, जिसे खाकर पशु फूड पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। पशुओं की लगातार हो रही मौत से पशुपालक परेशान हैं। गांव में पिछले एक माह में दो दर्जन से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। किसी भी पशु का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है कि मौत का कारण कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। तो खैर, अब गौशाला में बहुत सारी गायें हैं। हर महीने में दो चार गायें बुड्ढी बुजुर्ग बुड्ढी गाय रहती है, बुजुर्ग गाय, वो तो मरती ही है। वो गौशाला फिर ये नगर पंचायत वाले ले जाते हैं, वो गौशाला में गढ़वाते हैं। हम तो उनको बाहर फेंकने का तो सवाल ही नहीं इसके अंदर नहीं। की होगी बाकी, इसके आपको पहले नहीं मिली हुई कभी नहीं। अच्छा, आज की जरूरत तीन गाय मरी है नेमार हुई है इसके कारण ही, फूड पॉइजनिंग कारण। कल शादी बहुत थी नेमार में, कम से कम 10-15 शादी थी। सम्मेलन था, सम्मेलन में उनने फिर सब ये दोनों पातल जो बाची चीज थी वो खाई खुली उन्होंने, इसी के कारण ये गाय हुई मृत्यु इनकी है। बस आप देख रहे हैं दखल न्यूज।